हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले उनकी नाम देख लीजिए कि प्लैटीहेल्मिंथेस, प्लैटी का मतलब है कि फ्लैट, है ना। हेल्मिंथेस की मतलब होता है कि वर्म, फ्लैट वर्म होते हैं। हम उसको फ्लैट क्यों कहेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी की जो डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड्स होते हैं उसके बीच में आपको कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप विजुअलाइज करने के लिए कोशिश कीजिए, जैसे कि पत्तियाँ होते हैं लिप्स, और जैसे कि टेप होता है दर्जी लोग जो यूज करते हैं नापने के लिए, उनकी अब देखोगे बिल्कुल डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो इसलिए हम उसको फ्लैट वार्म कहते हैं। उनके हैबिटेट की बात करेंगे कि ये पैरासाइटिक होते हैं, मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। पैरासाइट का मतलब है कि कोई दूसरे की बॉडी के अंदर, चाहे तो एक्टो पैरासाइट होते हैं बॉडी के ऊपर रहेंगे, या तो एंडो पैरासाइट हो सकते हैं बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है। मतलब कुछ होते हैं फ्री लिविंग, है ना। अच्छा, फिर उनकी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पर आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, ऑर्गन की तौर पे आपको फेरिंग्स एंड माउथ देखने को मिल जाएगा। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री की बात करेंगे कि ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल का मतलब है कि एनी प्लेन विच इज ए पासिस थ्रू सेंटर, सेंटर थ्रू एक पास होना जरूरी है, तो बॉडी को इक्वल, जैसे जैसे करेंगे राइट हाफ इज इक्वल टू द लेफ्ट हाफ होना चाहिए। एक बार कट होगा, ऐसा नहीं कि बार बार जिस प्रकार से करोगे ऐसा नहीं, एक बार उसको कट करेगा एंड वो सेंटर देके जाना जरूरी है। बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन, जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक लीफ पत्तियां जैसे होता है, डोर्सल साइड वेंट्रल साइड के बीच में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेंट्रल साइड में आपको माउथ एंड गोनोपोर देखने को मिल जाएगा। और उनकी बॉडी की साइज की बात करेंगे, छोटे से लेकर 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग तक ऑर्गेनिजम्स के आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बॉडी ऑन सेगमेंटेड है, यानी कि कोई भी सेगमेंटेशन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। सेगमेंटेशन का मतलब है कि जैसे बॉडी डिवाइड हुआ है ना। आपने आर्थ्रोपोडा में देखा होगा बॉडी, मतलब हेड पार्ट अलग है, थोरैक्स एब्डोमेन अलग है, हमारे जैसे नेक हो गया। सेगमेंटेशन हमारा ट्रू सेगमेंटेशन जो है एनेलिडे के अंदर दिखने को मिलता है, सारे ऑर्गन रिपीट होता रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सेगमेंटेशन दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्सेप्शन याद रखिए क्लास स्टोडा के अंदर दिखने को मिलता है, वो भी होता है स्यूडो सेगमेंटेशन, यानी कि आपको लगेगा सेगमेंट है लेकिन ऊपर ऊपर से है, कोई भी ऑर्गन की सेगमेंटेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे कि उनकी जो कलर है, ये उनकी बॉडी इतना ट्रांसपेरेंट है, जो खाना वो अंदर ले रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कलर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मेजोरिटी व्हाइट होते हैं, कलरलेस, कलर इज ड्राइव फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड, ठीक है। अच्छा, तो एंटीरियर एंड में आपको डिफ्रेंशिएटेड इंटू द हेड, मतलब जिस एरिया में माउथ आपको दिखने को मिलेगा उसको आप हेड समझ लीजिए। उनकी बॉडी जो होता है उसके अंदर सिलिएटेड सिंसाइटियम, यानी कि जो सेलुलर बॉडी जो कवर रहता है सिंसाइटियम, सिंसाइटियम का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस यदि आपको देखने को मिलेगा, हम उसको सिंसाइटियम कहते हैं। सिंसाइटियल एपिडर्मिस जो होता है, जो आस्करिस यानी कि फाइलम जो नेमाटोहेल्मिंथेस की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे होते हैं, लेकिन ट्रेमाटोडा एंड सिस्टोडा के अंदर आपको सिंसाइटियल एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्यूटिकल होता है, क्योंकि उनके वो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं, इसलिए उनके अंदर क्यूटिकल होता है। जर्म लेयर की बात करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि डोर्सल साइड वेंट्रल साइड्स तो ऐसे इस प्रकार की अटैच्ड है ना, कैविटी बनेगा कैसे। तो इसलिए सिलम की बात करेंगे, ये एसिलोमेट्स होते हैं, है ना, 3 जर्म लेयर लेकिन होता है। स्पेस बिटवीन कोई भी जो जो ऑर्गन रहता है ना, स्पेस रहेगा वेरियस फील्ड विथ मेजोडर्मल टिश्यू, जिसको हम मेजेनकाइम या पैरेनकाइम कहते हैं, यानी एक्टोडर्म रहा है, एंडोडर्म रहा है, बीज वाले जो एरिया है उसको हम मेजेनकाइम या पैरेनकाइम कहते हैं। फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी इनकम्प्लीट होता है, एक ही ओपनिंग रहेगा, है ना, तो रहेगा उस, तो इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। ओरल ओपनिंग डायरेक्टली, जो ओरल ओपनिंग है उसको कभी कभी माउथ ही हम बोल देते हैं, तो वही फारिंग्स को डायरेक्टली ओपन हुआ है। रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस में हो रहा है, और उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं है। एक्सप्रेशंस फ्लेम सेल्स, या उनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई एग्जाम के अंदर ये आपको एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव लाइफ है, तो मेन नर्वस सिस्टम्स पैड ऑफ गंग्लिया रहेगा, समझ रहे हो ना, मतलब कि इस प्रकार की नर्व नेट रहेगा, गंग्लिया रहेगा, पैड स्ट्रक्चर में है, और इस तरीके से वो आपस में इंटरकनेक्ट
कनेक्टेड है, जैसे आपको गिलाड़ी सीढ़ी जैसे उसे से होता है ना, इस तरीके से देखने को मिलेगा। सिंपल सेंस ऑर्गन होता है जो कि टैंगो रिसेप्टर यानी कि टॉर्च प्रेशर को जो पता पहचान सकता है, हम उसको टैंगो रिसेप्टर्स कहेंगे। केमो रिसेप्टर होता है, कोई भी केमिकल से उसको सेंसिटाइज कर लेगा, केमो रिसेप्टर्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर आपको सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों मोड के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फिशन के थ्रू होगा। फिशन आपको पता है एक सेल, एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, दो से फिर चार, और एक होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन याद रखिए प्लानेरिया के केस में वो हाईली मतलब कि रीजनरेशन शो करे, प्लानेरिया यानी कि उसको डुजासिया भी कहा जाता है, डुजासिया। तो क्या होगा रीजनरेशन के मतलब, मान लीजिए प्लानेरिया है पूरा बॉडी का, दो कट कर लोगे, ये अपर हाफ हो गया लोअर हाफ, ये भी कंप्लीट बना दे बॉडी बना देगा, ये भी कंप्लीट बॉडी बना देगा, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। प्लानेरिया और डुजासिया की सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी रहता है। सेक्सुअल जो साइकिल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ये तो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर आप मेल और फीमेल ऑर्गन जो गैमेट्स देखने को मिल जाएगा। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी ट्रोमेटोडे के अंदर आपका होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि दो डिफरेंट ऑर्गन है तो ये हर्माफ्रोडाइट्स, लेकिन मान लीजिए इसका मेल गैमेट और इसकी फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। और कभी कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है जैसे कि सिस्टोडा के अंदर, क्यों, क्योंकि मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर है, तो वहां से भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट एक तो बहुत सारे होस्ट की रिक्वायरमेंट करता है, प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट है ना, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है। डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट यंग वंस पैदा होना, इनडायरेक्ट का मतलब है कि उनके लार्वल स्टेज आ जाता है, लार्वा से फिर एडल्ट को कन्वर्ट होता है, उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट यंग वंस बनना। पार्थिनोजेनेसिस एंड ए पॉली एम्ब्रियोनिक कॉमनली अकर इन ट्रेमाटोड्स, ये टर्म याद रखिए, पार्थिनोजेनेसिस आपको ट्रेमाटोड के अंदर भी दिखने को मिलेगा। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डायरेक्टली जो होम है ये यंग वंस को कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपने जो मार्केट में जो ग्रेप्स अभी अवेलेबल होता है ना, उसके अंदर आपने कोई भी सीड है ना, सीड आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोडक्ट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सीड्स बनेगा कैसे, तो डायरेक्ट ओव्यूल से हम फ्रूट्स बना रही हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, सम टेपवर्म प्रोपागेट बाई एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस बॉडीज, मतलब कि बॉडिंग जो बॉडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप होता है उसके थ्रू भी वो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस जो होते हैं वो तीन क्लास से डिवाइड हुआ है, और डिवीजन उनकी बॉडी सेफ और मोस्टली उनकी जो हैबिटेट होता है फ्री लिविंग है या पैरासाइटिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीन क्लास होता है टॉर्बेलेरिया, ट्रेमाटोडा एंड सिस्टोडा। याद रखिए टॉर्बेटेरिया टॉर्बेलेरिया जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री लिविंग रहेंगे, एंड ट्रेमाटोड होते हैं इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं कुछ अदर स्पेसिस के अंदर है ना, एंड जो सिस्टोड होते हैं ये भी इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए टॉर्बेलेरिया, फिर एक तो एक्टो कमेंसालिज्म शो करते हैं या एंडो कमेंसालिज्म और पैरासाइटिक प्लानेरिया, एक्सेप्शन होता है प्लानेरिया। अच्छा, टेरेस्ट्रियल और मेराइन वाटर हो सकते हैं। बॉडी आपको अनसेगमेंटेड, बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, विथ सिलिएटेड सेलुलर सिंसाइटम एपिडर्मिज। टॉर्बेलियरी के अंदर सिंसाइटल एपिडर्मिज आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको सिंसाइटल एपिडर्मिज का मतलब बता रही थी कि इस एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, वो इस सिर्फ क्लास टॉर्बेलेरिया के लिए ही एप्लीकेबल होता है सिंसाइटल एपिडर्मिज, उसके अलावा नहीं। रॉड शेप बॉडी होता है जिसको हम रैबडाइट्स कहते हैं, माउथ वेंट्रली प्रेजेंट्स होता है, एडहेसिव ऑर्गन क्योंकि वहाँ पर एब्सेंट रहेगा, क्यों, ये फ्री लिविंग लाइफ शो कर रहा है ना, कोई और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के साथ उनके कोई लेना देना नहीं है, तो एडहेसिव ऑर्गन की जरूरत क्या होता है स्पेसिफिकली, एडहेसिव ऑर्गन मतलब कहीं पे चिपक जाने के लिए जो ऑर्गन होता है, जो पैरासाइटिक फॉर्म रहेंगे वो शक्कर हुक इसी प्रकार के कुछ ऑर्गन डेवलप करेंगे जिसको हम एडहेसिव ऑर्गन कहते हैं, क्यों, ताकि होस्ट बॉडी के साथ अटैच होकर रह सकते हैं, है ना, मान लीजिए होस्ट बॉडी है वो चिपक के रहने के लिए इस प्रकार की हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे टैंगो रिसेप्टर यानी कि टॉर्च एंड प्रेशर को पहचानने के लिए, केमो रिसेप्टर होता है कोई केमिकल चेंजेस पानी के अंदर हुआ है उसको पहचानने के लिए, पीएच
पीएच में चेंज हुआ, फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट को पहचानने के लिए उसके अंदर होता है। कॉमनली तो लिविंग फॉर्म है, एस्क्रोटरी सिस्टम हुई, फ्लेम सेल्स या प्रोटीन ऑफ होता है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों फॉर्म में होगा, रिजनरेशन भी होता है, लाइफ साइकिल डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट यौवन वहाँ से बनता है। ट्रेमाटोड की बात करेंगे, ये हविंग उनके बॉडी के अंदर थोड़े थोड़े छेद दिखने को मिलेगा, ये एंडो पैरासाइट्स अनकॉल्ड फ्लुक, क्योंकि लिप जैसे उनकी स्ट्रक्चर होता है इसलिए हम फ्लुक कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो लीवर फ्लुक आपने सुना होगा। बॉडी इज अनसेगमेंटेड ड्रोसोवेंट्रल फ्लैटन लाइक लीफ, पत्तियां जैसे होता है। उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्यूटिकल दिखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एडहेसिव ऑर्गन भी दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरासाइट है ना। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, क्योंकि एक ही ओपनिंग रहा है इसलिए इनकम्प्लीट हम बोलते हैं, है ना। माउथ सिंपल स्फेरिंग्स टू फोर्क रहता है, तीन पेयर ऑफ लॉन्ग नर्व कॉर्ड होता है, स्क्रूटरी ऑर्गन यहाँ पर भी फ्लेम सेल्स है ना। मोस्टली ये हर्माप्रोडाइट्स यानी कि मोनोसियस होते हैं। एक ही बॉडी के अंदर आपको मेल एंड फीमेल ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम हर्माप्रोडाइट्स कहते हैं। दो ओवरी होता है लेकिन टेस्टिस की नंबर ज़्यादा रहता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा एक्टोपैरासाइट्स में एंड इनडायरेक्ट होता है एंडोपैरासाइट्स में। तो नेक्स्ट बात करेंगे सिस्टोड़ा के बारे में, ये भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, इसको हम टेप वार्म कहते हैं। उनकी बॉडी जो फीता जैसे होता है टेप, है ना। बॉडी अपने टेनिया सोलियम वगैरह सुना होंगे, है ना। बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट, यहाँ पर आपको स्यूडो सेगमेंटेशन दिखने को मिलेगा। स्यूडो सेगमेंटेशन सिर्फ सिस्टोड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, फॉल्स सेगमेंटेशन लगेगा सेगमेंटेड है लेकिन एक्चुअली वो सेगमेंटेशन नहीं है। रिबन लाइक फ्लैट लाइक होता है, टेगुमेंट विथ माइक्रोविलाई यानी कि उनकी जो स्किन है माइक्रोविलाई छोटे छोटे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर वो टोटली एब्सेंट है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स होता है ना, होस्ट की बॉडी के न्यूट्रिशन को बस ऑब्जर्व कर लेगा इसलिए वो चीज़ एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम यूजुअली पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया रहता है एंड मैच्योर सेगमेंट, तो यहाँ पर जो बॉडी उनकी आप देखोगे, है ना, तो उनकी बॉडी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे रहेगा। यहाँ पर हेड के पास जो रहता है वो इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स होता है, मतलब कि बॉडी सेगमेंटेशन को हम प्रोग्लोटिड्स बोलेंगे। शुरुआत में जो रहता है वो इमैच्योर होता है, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, मिडिल में जो रहता है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स और लास्ट में जो रहता है उसको हम ग्रैविड प्रोग्लोटिड्स कहेंगे। और ये जो ग्रैविड प्रोग्लोटिड्स आप देख रहे हो वहाँ पर आपको मेल एंड फीमेल जो है ना ऑर्गन दिखने को मिलेगा, वहीं से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है। ग्रैविड प्रोग्लोटिड्स क्या होगा, वन बाई वन डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपोलाइसिस, ठीक है, अपोलाइसिस बोलते हैं जिस प्रोसेस में डिटैचमेंट हो रहा है। फिर मैच्योर प्रोग्लोटिड्स ग्रैविड को कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इमैच्योर मैच्योर को कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरीके से वो उनकी लाइफ साइकिल्स को फॉर्मेशन करता है। दो से ज़्यादा होस्ट को भी रिक्वायरमेंट रहता है, ये होता है आपका क्लास सिस्टोड़ा के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो मतलब कि समझ में आ रहा होगा। कोई भी इशू है आप कमेंट में बता सकते हो, और कोई भी दूसरा टॉपिक के लिए है तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।